नगर पंचायत समधन अलाव के नाम पर हो रही है धांधली। गुरसाहेगंज क्षेत्र की नगर पंचायत समधन में हाडक पाव मौसम का मिजाज बदलते ही नगर पंचायत समधन के जिम्मेदारों ने नगर में अलाव तो जलवाना शुरू कर दिया है, लेकिन गरीबों बेसहारा जनता के साथ किया जा रहा खिलवाड़। जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों एवं बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना चाहती है, लेकिन जिला मुख्यालय पर बैठे आला अधिकारियों को गुमराह कर नगर के लोगों से किया जा रहा खिलवाड़। एवं लकड़ी के नाम पर हाईवे किनारे कटे वृक्षों की जड़े अलाव की लकड़ी के नाम पर नगर पंचायत की जेसीबी मशीन द्वारा खुद बाकर नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव के नाम पर डाली गई एवं उसमें मिट्टी व गीली लकड़ी होने के कारण अलाव नहीं जल रहे हैं, जिससे नगर पंचायत समधन की जनता में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है एवं नगर की जनता भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। हमारे बीच में एक सभासद भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनके बाद में कितनी लंबी व्यवस्था की गई है। भाईजान बोल बात तो बताओ, जो सही बात है जा तो बताओ क्या हो रहा है। हमारे बीच में कौन सा है बोला, सिकंदर नगर के एक सभासद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इनके वार्ड का क्या हाल है, क्या इस समय सर्दी का माहौल है। जो क्षेत्र की मेन बाजार मानी जाती है वहीं पर हम एक आपको नया नजारा दिखा रहे हैं अलाव के नाम पर। ये अलाव ये देखिए लकड़ी कितनी जबरदस्त लकड़ी यहाँ पर डाली गई है, इसमें देखिए तापने के लिए कितनी राहत बनेगी, कितना लोग इससे अपना सुकून प्राप्त करेंगे, आग के नाम पर इसके सहारे से बैठेंगे। ये देखिए लड़के किस तरीके से अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा इसको दिखाएं और इस मिट्टी को सामने लाएं। ये देखिए ये ठगई का जाल बना हुआ है पूरी तरीके से। वीडियो और भी लोगों से जानते हैं कि क्या लोगों का कहना है। यह है नगर पंचायत बाजार है, यहाँ पर हमारे कला भी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस बार अलाव की व्यवस्था जो हड़ताल मंदिर या मस्जिद धार्मिक जगहों पे होती थी, इस बार क्या व्यवस्था है। मुख्य चेहरे कुछ है ही नहीं। अच्छा, लोगों का कहना है कोई व्यवस्था अलाव की नहीं इस बार नगर में की गई है, सब धांधली का माहौल बना हुआ है। बेटा बना लिए जो बोला करे उसके चेहरे ध्यान दिया करे, बहुत अच्छा लगता है। बस बस इस समय हम मौजूद हैं नगर पंचायत समधन, जो के इस समय स्कूलों से लगाकर हर जगह पे शीतकालीन चल रहा है, छुट्टियां भी कर दी गई, इतनी सर्द तेज हो चुकी है जिसकी वजह से नगर पंचायत समधन में अलाव की व्यवस्था हर साल की जाती थी। इस साल लोगों से जानते हैं यहाँ पर जनता के लिए अलाव की आग के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या यहाँ का माहौल है, यहाँ पर लोग किस हालत से सर्दी में गुजर रहे हैं, आइए जनता से जानते हैं। जय बताओ, लकड़ी वगैरह अलाव वगैरह की व्यवस्था है या नहीं है? लकड़ी अलाव नहीं व्यवस्था है, ये ही नहीं, जरे खोद खोद डाली जा रहे हैं, जरे डाली जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति सरकारी संपत्ति। अच्छा, अलाव व्यवस्था नहीं हुई? नहीं। हाँ, अरे बोलो ना बात अपनी बताओ कहाँ है सब कुछ। अच्छा, सरकारी जरे जो है रोड के किनारे वाली खुलकर के आ रही है गीली, सरकारी जड़े डाली जा रही हैं, बस वो नहीं डाली जा रही है एक आध जगह पर, ये नगर पंचायत कार्यालय पास में पड़ी बात नहीं, कहीं नहीं पड़ी है। हाँ, अलाव की व्यवस्था आपकी की गई? कोई अलाव व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। इस समय हम इस जड़ के पास मौजूद हैं, जो ताजी जड़ खुदवा के जेसीबी द्वारा
वन विभाग की जगह से जेसीबी द्वारा खुदवा कर ये ताजी जड़ किस लिए आई है ये भी आपको दिखाते हैं। सर्दी का रिकॉर्ड बताया है, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वहीं पर जिस तरीके से ये देखिए, ये मिट्टी आपको दिख रही है और ये ताजी जड़ दिख रही है। कैमरा मैन से कहेंगे चारों तरफ दिखाओ, यहाँ पर ये जनता किस तरीके से परेशान है। यहाँ पर अलाव के लिए, आग के लिए, तापने के लिए, जिसके लिए लकड़ी की व्यवस्था की जाती है और राहत दी जाती थी लोगों को, उस राहत के नाम पर ये मिट्टी और ये गीली जड़ डाली हुई है। ये कभी जिंदगी में लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकती है, इस मिट्टी में आग नहीं लग सकती है। लोग लकड़ी में आग लगाना चाहते हैं लेकिन लकड़ी में नहीं, मिट्टी में यहाँ पर आग लगाई जा रही है। यहाँ पर मिट्टी से रुपया निकाला जा रहा है लकड़ी के नाम पर, जबकि नगर में हर महीने लाखों रुपया आता है, वहीं पर लाखों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा। आपको ये दिखाएंगे, ये देखिए कितनी मिट्टी इससे निकली है, ये अलाउ, ये जड़, ये क्या लोगों को राहत पहुंचा सकती है? आइए जनता से जानते हैं, आग लग सकती है क्या? आप लोग आग नहीं लग सकती इससे, हम लोग ने तो यहाँ पे लकड़ी से ज्यादा उसमें कई ज्यादा मिट्टी है, वो आप लोग को दिख रहा है कितना हम खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सभी जनता भी देखेगी। इसमें तापा जा सकता है भाई, इसमें तापा जा सकता है, बताइए इसके बारे में क्या कहना है? और भी जानते हैं सामने भाई, अपनी बात नहीं आदमी के पास डॉक्टर ना। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्य लोग, उनसे भी जानते हैं इसके बारे का क्या है। यहाँ पर कोई ताप नहीं रखता है, और वो भी इतनी सर्दियों में, कई दिनों के बाद ये जड़ डाली गई है। ये देखिए बेलचे से लोग बेलचे से मिट्टी निकाली जा रही है, पहली बार पड़ी है। हाँ, और लोगों से जानते हैं, अपने पहली बार पड़ी है मस्जिद के पास, इससे पहले लकड़ी पड़ी नहीं कभी यहाँ पर। धार्मिक स्थल मस्जिद भी है और ये नगर पंचायत संगन की मुख्य बाजार भी है, उस बाजार में ये ऐसी व्यवस्था डाली गई, लोगों को आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लकड़ी के नाम पर, अलाव के नाम पर सब चीज ध्वस्त कर दी है नगर पंचायत संगन की। लोग इसको अपना सहारा समझ कर तापने के लिए क्या करेंगे, ये मिट्टी में आग लगाएंगे आगे क्या? आगे का यहाँ पर रोड पे दिखा रहे नजारा काफी दूर तक दिखाएंगे, यहाँ पर भी आपको कोई अलाव लकड़ी की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी, और जहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था अलाव की है भी तो वहाँ पर जड़ें खोदी गई है। लकड़ी आग सनवाज, हाँ हाँ वो तो बताओ क्या है, देखें एक जगह पे और हम आए हैं, यहाँ पे पूछते हैं क्या ये नगर के द्वारा लकड़ी डलवाई गई है आपके द्वारा, यहाँ पर ये आग के अलावा की व्यवस्था है? हाँ भैया, अपने आप डलवाई लकड़ियाँ नगर पालिका लिखा घूमना ये लकड़ियाँ भाई, यहाँ पर ये देखिए हमारी लकड़ियाँ, हमारे जेब की पैसे की लकड़ियाँ, काफी लोग बैठे हैं, अलाव की व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन ये खुद के पैसे लगाकर, खुद का रुपया खर्च कर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, अपने यहाँ तब्बा रहे हैं, आपकी व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन नगर के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। और भी आगे का जानते हैं क्या है? अलाउ लगे हुए हैं लेकिन वो लगे हुए हैं स्वयं अपने द्वारा, किसी नगर के पैसे के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की है। एक जड़ ये भी दिखा रहे हैं, ये अलाउ की व्यवस्था है, हमारे नगर में है व्यवस्था अलाउ की, ये जड़
पड़ी हुई है, इस जड़ को लोगों के लिए राहत और सुकून का जरिया बनाए हुए है। इसमें देखिए लोग इस सर्दी में अपना सहारा बन सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है नगर अलाव की, इसको बहुत सफाई सुथराई से धोया गया है, मिट्टी को साफ किया गया है, फिर भी ये अपने रंग में नहीं आई है, फिर भी ये अपने रंग में नहीं आई है। इसके कपड़े उतार दिए गए हैं, मतलब ये मिट्टी से इसको साफ सुथरा किया गया, इसमें भी काफी मिट्टी थी। अब ये बताइए इससे लोग अपनी राहत पहुंचा सकते हैं, सुकून पहुंचा सकते हैं? मुझे तो लगता है नामुमकिन है। यहाँ पर नगर में बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, हर तरह से ध्वस्त है। हम आगे का जानते हैं। हाँ, एलाओ लकड़ी की व्यवस्था नगर में की गई है, जड़े खोद के डाली गई है, मतलब जड़े खोद के डाली कौन रहे लकड़िया कहाँ है आगे दिखा दी। लोगों का कहना है, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, जमीनी हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जड़ें खोद के डाली गई हैं, वो भी नगर के जेसीबी द्वारा पीडब्ल्यूडी की जगह से खोद कर डाली गई है। यही तो है, लविस्टिक की है, और उसमें काफी मिट्टी है, धुलाई करने के बाद भी वो सफाई नहीं हो रही है, मिट्टी भरी उसके अंदर। बताइए नगर में लोगों का कहना है पहली बार ये माहौल देखने को मिला है, मामला चौपट कर दिया, यहाँ पर सब कुछ चौपट है, नाले नाली सब टूट गए, सब टूट गए, सब बेकार हो गया। चार व्यवस्था जो है वो तीन चार रोज नहीं, एक दो बार केवल आई है, इनका कहना है वो भी लकड़ी नहीं सर आई थी, और इस बार तो कुछ भी नहीं, और सर्दी से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। बताइए धार्मिक स्थलों को भी वो लेके जा रहा है, बता पंडित जी का कहना है इस अभी मोल लेके आए, अभी जो भी लकड़ी लाए हैं वो मोल लेके आए, जरा दिखाएंगे आइए। पांच रोज से लकड़ी नहीं आ रही है, भैया ना पहचान उतरे ये जो भी लकड़ी यहाँ पर पंडित जी जला रहे हैं, धार्मिक स्तर के जिम्मेदार हैं और यहाँ पर रहते हैं, ये भी बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग क्या नौजवानों को भी सर्दी लगती है ले आए, लेकिन यहाँ पर जो लकड़ी ये जला रहे हैं ये अपने द्वारा खरीद कर, अपने पैसों से खरीद कर ये यहाँ पर लकड़ी के अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं। बिल्कुल सच्चाई आपके सामने, नजारा आपके आंखों के सामने, बिल्कुल नगर पंचायत समन इस बार पहली बार ध्वस्त नजर आ रहा है अलाव के नाम पर, लकड़ी के नाम पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पंडित जी पहले तो केवल दो बार आए, इसके बाद जब से लकड़ी आई नहीं मंदिर के नाम, जबकि मंदिर लिखित है तब भी यहाँ पर लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए हम आगे और भी एक ही मंदिर है, कहने का मतलब है एक ही मंदिर है, वो भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, मंदिर है लेकिन में यही है मंदिर है हमारे नगर पंचायत में, संदन में धार्मिक स्थल तो कई है मस्जिद, लेकिन मंदिर एक ही है, वो भी एक मंदिर, वहाँ पर भी यहाँ के जो पुजारी हैं और यहाँ के जिम्मेदार हैं वो अपने पैसों द्वारा खरीद कर यहाँ पर लकड़ी से अलाव की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए ये हाल है नगर, यहाँ पर पूछते हैं, ये देखिए दुकानदार इनसे पूछते हैं, काफी परेशानी सर्दी से गुजर रहे हैं, अलाव की व्यवस्था है लकड़ी की कहाँ पे है, जरा हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनके लिए कहाँ पे व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ मिलने जमीन कोई लकड़ी की व्यवस्था अलाव की है, जगह पे जगह बोले कहीं जगह कुछ नहीं है, सब ऐसे चल रहा मामला, सब ऐसे ही है, कुछ नहीं चल रहा। अब तो चेयरमैनी खत्म हो गई है ना, अब तो बोल ले, अब तो चेयरमैन ही खत्म हो गई, अब तो बोल रहे हो इनसे बात कर लो, कोई व्यवस्था नहीं है, अब तो भाई टाउन के हाथ में है अलाव वगैरह, कौन अरे अब जलाए बोले बेकार है, हां तरला जला रहे थे, देखो आओ जलाए दे रहे बेकार है,
हाँ यहाँ पर देखिए, आपको देख रहे हैं, ये देखिए ये व्यवस्था की गई है। क्या हाल है नगर के सर्दी में? अपने पीले जला रहे हैं, मतलब बाइक पीले लाए हैं, पीले जला रहे हैं। हाँ भाई भैया, कोई नहीं मतलब भाई, भाई जब बात करते हैं एलाव की क्या व्यवस्था है यहाँ पे लकड़ी वगैरह? मोल ले ले आ रहे हैं, मोल ला ला के ला रहे हैं। अच्छा देखिए, इनका कहना है कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है ये कोयला अपने मोल ला के जला रहे हैं, लेकिन नगर के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। और भी हमारे साथ में हमारे एक महान व्यक्ति मौजूद है, उनसे जानते हैं अलाव के बारे में। क्या यहाँ का माहौल है सर्दी में लोग, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर जो मुख्य जगहें हैं उन जगहों पर अलाव की व्यवस्था? कुछ नहीं है, पीडब्ल्यूडी की वो जड़ें खोल के डाल दी गई हैं, जलाई जा रही हैं, वो जल भी नहीं रही, सब पी दी गई, सब मट्टी भरी हुई है, व्यवस्था सब खराब। देखिए लोगों का साफ साफ ये कहना है, और आपको आंखों देखा जमीनी नज़ारा दिखा रहे हैं, कि पीडब्ल्यूडी की जगह से जड़ें खोदी गई हैं। बार बार मैं वही कह रहा हूँ, और जनता भी वही कह रही है, वही खोद के उसमें मिट्टी भरी है दसियों किलो, उसमें कभी जिंदगी में आग नहीं जला सकती है, लोगों के लिए राहत नहीं बन सकती है। और सर्दी का माहौल जो बहुत तेजी से, उसमें आग से सहारा नहीं लिया जा सकता है। ये नगर पंचायत संबंध